आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आसान सा टोटका जिसको इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के खुले मसाम बंद कर सकते हैं, यानी कि आपके जो फेस पे ओपन पोर्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और घरेलू चीजें आप यूज करके नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। जिन भी दूसरे अज़ा की तरह फ्रेंड्स एक जिंदा अज़ू है और दीगर अज़ा की तरह ये भी आपको एक जीने का एहसास दिलाती है और कुदरत ने इंसान को नरम नाजुक दिल को बड़ा ही हसास बनाया है, तो इसका एक एक खुलिया मौसम की नोयत और शिदत को महसूस करता है और जिस्म को मौसम की शिदत से महफूज रखने में जिल्द अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जब जिस्म को मुनासिब गुजा नहीं मिलेगी और इसके मुख्तलिफ हिस्से अपना काम मुनासिब तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो ओपन पोर्स यानी कि खुले मसाम हमारी जिल्द और सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं, खसूसन चेहरे के मसाम। ये मसाम यानी कि जो पोर्स हैं चेहरे को तरोताजा और नरम रखते हैं। अगर ये मसाम ज्यादा खुल जाए ज्यादा ओपन हो जाएंगे तो फिर हमारे जिल्द में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो खुले मसामों वाली जिल्द को हम अस्फंजी कहते हैं और खुले मसामों से निजात पाने के लिए आज मैं आपके लिए जबरदस्त से चार नुस्खे लेकर आई हूँ जो कि पेशे हिदमत है। इसमें सबसे पहला नुस्खा है कि आपने इस नुस्खे के लिए अपनी चीजें नोट कर लें। जो आपने मास्क बनाना है उसके लिए आपको चाहिए एक केला मसला हुआ यानी कि मैश कर लें आप उसको किसी भी फोर्क या स्पून की मदद से। उसमें आपने तीन खाने का चम्मच दूध शामिल करना है और एक खाने का चम्मच शहद डालना है और आपने फिर क्या करना है, इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपने अपना चेहरा किसी भी अच्छे साबुन से या किसी भी अच्छे फेस वॉश से साफ कर लें, धो लें। उसके बाद आपने ये मास्क अपने चेहरे पर लगाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप अपना चेहरा ताजे पानी से धो लें। आप हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपके खुले मसाम बंद हो जाएंगे और आपका चेहरा नहायत ही खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा दूसरा नुस्खा। इसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें आपको चाहिए मकई का आटा 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच, पेपरमिंट ऑयल इसके आपने सिर्फ 10 कतरे डालने हैं और अदरक आपको चाहिए 1/2 चाय का चम्मच, लाहौरी नमक आपको चाहिए 1/2 चाय का चम्मच और लिंकोमाइसिस लोशन है 1 जिसके आपको 10 कतरे चाहिए। पेपरमिंट ऑयल मैं आपको बताती चलूं कि पेपरमिंट ऑयल यानी कि तुलसी का पौधा होता है और तुलसी के पत्तों का ये ऑयल निकलता है। जैसा कि हम मिंट यूज करते हैं पुदीना, तो उसी तरह पेपरमिंट होता है। पेपरमिंट यानी कि तुलसी का तेल आपको चाहिए, ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, उसके आपने 10 कतरे डालने हैं। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक क्रीम बना लेनी है और रोजाना आपने अपने चेहरे पर मसाज करना है इस क्रीम का। आपके चेहरे के ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स और एक्ने वगैरह खत्म हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हमारे तीसरे नुस्खे की तरफ, जिसमें आपको चाहिए होगी चमेली के फूल या गुले यास्मीन आपने लेने हैं 1/2 किलो। गुले यास्मीन या फिर चमेली के फूल आप ले सकते हैं 1/2 किलो और लेवेंडर का ऑयल आपको चाहिए 30 ग्राम। लेवेंडर ऑयल आपको चाहिए 30 ग्राम और लेमन आपको चाहिए 1 अदद छिलके के साथ और अर्के गुलाब आपको चाहिए हसब जरूरत। अब आपने ये करना है कि इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख लेना है और रोजाना इसको अपने चेहरे पर लगाना है। इसके अलावा आप विटामिन सी के 10 कैप्सूल लेकर किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशन में, आप जो अपना डेली रूटीन में आप लोशन यूज करते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, आप उसमें वो 10 कैप्सूल विटामिन सी के मिला लें और इसको रूई की मदद से अपने चेहरे पर रोजाना लगाकर उसका मसाज करें। रूई से चेहरे पर ताजगी आएगी और ज्यादा खुले हुए मसाम भी आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हमारे आखिरी और चौथे नुस्खे की तरफ, जो कि पोर्स बंद करने के लिए आपको मैं बताऊंगी। तो मसाम अगर सुराखों जैसे नजर आते हैं तो ऐसी सूरत में चेहरे को किसी चीज से रगड़ कर ना धोएं। आप दिन में चेहरे पर टमाटर का गूदा 2 से 3 मरतबा लगाएं और 1/2 घंटे बाद सादा पानी से धो लें। खुले मसामों से आपकी निजात मिल जाएगी और आपका चेहरा भी पुरोनक हो जाएगा। गूदा आप किस तरह से लगा सकते हैं कि आपने एक टमाटर लिया, उसको आपने ब्लेंडर में डाला, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है तो उसका जो गूदा है वो एक पेस्ट की तरह से बन जाएगा, तो उसको आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे अपने फेस पे। तो रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए उसको अपने चेहरे पर लगाएं
इंशाल्लाह आपके जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टोटका पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार भी साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करना मत भूलें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच